उत्तराखंड से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पांचों लोकसभा सीटों पर मतगणना जारी है और बीजेपी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीवी से राजलक्ष्मी शाह आगे हैं। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे है, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का उत्तराखंड से सामने आ रहा है। वहीं अल्मोड़ा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अजय टप्टा 2,08,813 वोटों से इस वक्त आगे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी इस वक्त आगे हैं। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, वो 1,30,123 वोटों से आगे चल रहे हैं। हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त आगे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। बता दें कि 94,543 वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त आगे चल रहे हैं। नैनीताल से अजय भट्ट 3,16,218 वोटों से इस वक्त आगे हैं। वहीं टीवी से राजलक्ष्मी शाह 2,01,462 वोटों से आगे हैं। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है और मतगणना लगातार जारी है। अल्मोड़ा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। अजय टम्टा 2,08,813 वोटों से इस वक्त आगे हैं। यह अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी आगे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत 94,543 वोटों से हरिद्वार लोकसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। वहीं नैनीताल सीट की बात कर ले तो अजय भट्ट 3,16,218 वोटों से आगे चल रहे हैं। टीवी से राजलक्ष्मी शाह 2,01,462 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है, बढ़त के साथ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अल्मोड़ा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं और कई लाखों का ये वोटों का जो अंतराल है ये देखने को मिल रहा है। अजय टम्टा 2,08,813 वोटों से इस वक्त आगे हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी आगे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां 1,30,123 वोटों से बलूनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त आगे हैं। तमाम जानकारी के साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटें हैं और लगातार मतगणना हो रही है, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी बढ़त के साथ आगे देखी जा रही है, क्या चुनाव परिणाम वहां होने वाले हैं? अवनीश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। अवनीश, जिस तरीके से उत्तराखंड में पांच लोकसभा सीटों पर अभी बीजेपी आगे बढ़ रही है, बढ़त देखने को मिल रही है, क्या लगता है उत्तराखंड में चुनाव परिणाम कैसे रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए आकाश, यहाँ पे लगातार सुबह से मतगणना जिस समय शुरू हुई थी वही कई बार जो है एक दो राउंड के अंदर जो है कभी कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, कभी बीजेपी आगे बढ़ रही थी, परंतु अब ये जो है यहाँ पे देखा जाए तो अब अंतिम समय है, किसी भी पर जो है घोषणा हो सकती है। और यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए मतगणना अभी चल रही है और यहाँ पे लगातार जो है वो पांचों सीटों पर जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और अब जो अंतराल है वो काफी वोटों का आ गया है, कई हजारों वोटों का आ गया है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में खुशी की लहर है, तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के पास प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट है वो वहाँ पे उनको फूलों का गुस्सा देने गए हैं, बधाई देने गए हैं कि जिस तरीके से मोदी के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ा गया और पांचों सीटा जो है जीतने की कगार पे, ये तमाम चीजों को कयास लगा जा रहा है कि इस बार भी हो सकता है कि भाजपा जो है क्लीन स्वीप करे। जी वही अवनीश, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि जो अंतराल है वोटों का वो काफी बड़ा है, क्योंकि लाखों में देख रहे हैं कि जो लाखों की संख्या में वोट ज्यादा बीजेपी के पाए जा रहे हैं, क्या लगता है पूरी तरीके से स्थिति कितने बजे तक साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड में जो 2024 का जो सत्ता का संग्राम है उस पर बीजेपी काबिज होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल लगातार जिस तरीके से अभी मतगणना जो है राउंड चल रहे हैं तो लगभग हो सकता है कहा जा रहा है कि लगभग 4-4.5 बजे तक जो है यहाँ पे जो परिणाम घोषित किए जाए, और क्योंकि पूरी तरीके से तय माना जा रहा है कि जो पांचों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाने वाली है। जी वही अवनीश, अगर बात करें तो मतगणना को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां इससे पहले से की जा रही थी, तो आज जो मतगणना का जो सिलसिला है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिली और सुरक्षा की अगर बात कर ले तो किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल देखिए आकांक्षा, यहाँ पर पहले से ही 2-3 दिन से पहले से जो है मतगणना स्थल का लगातार अधिकारी निरीक्षण कर रहे थे, जो जिलाधिकारी है खुद मौके का निरीक्षण कर रहे थे, पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाकचौबंद की गई थी, जगह जगह इस बात जो है पुख्ता इंतजाम थे, जो बाहर के जो लोग थे उनके जगह अभिकर्ताओं से कोई भी उनकी गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से जो अलग से पार्किंग कराई गई थी, उनके मोबाइल जो है वहां पर जो है रख लिए गए थे, यहाँ तक कि उनके जो स्मार्ट वॉच होती है वो तक उनको अंदर ले जाने नहीं दी गई। तो इससे यह था कि माहौल अच्छा पूरा शांतिपूर्ण रहा है, कोई हल्ला नहीं मचा, कोई ऐसा राजस्व तो बात नहीं हुई है कि जिससे कि जो है व्यवस्था मिले, सभी चीजों का जो है सुचारू रूप से चला था और पुलिस की तरीके से जो है पूरी तरीके से साफ सफाई व्यवस्था की गई है। जी ठीक है, अवनीश गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वही ये बड़ा और अहम अपडेट आपको उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर बता रहे हैं, जहां पांचों लोकसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी जितने भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लाखों के वोटों के अंतराल से इस वक्त आगे हों, और देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो है वो स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आगामी समय में ये माना जा सकता है कि जो रिजल्ट है वो बीजेपी के पक्ष में देखने को मिलेगा। और साथ ही अवनीश गुप्ता जी ने भी ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि करीब 4 बजे के आसपास उत्तराखंड में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो वोटों का अंतराल है वो भी काफी लंबा देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के भी आंकड़े सामने आए थे उसमें ये भी स्पष्ट हो गया था कि उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होने वाली है, और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो आज सच साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां लगातार चुनाव को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट उत्तराखंड से, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और आप देख सकते हैं कि 5ों लोकसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। जो कड़ा मुकाबला अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है वो एनडीए और इंडिया के बीच में है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो ये एक तरफा चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो 5ों लोकसभा सीटों पर आगे हैं, और जो वोटों का अंतराल है वो भी लाखों में देखा जा रहा है। नैनीताल से अजय भट्ट 3 लाख वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं, वहीं टीवी से राज लक्ष्मी शाह 2,01,462 वोटों से चुनावी मैदान में आगे नजर आ रही है। उत्तराखंड की 5ों लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है। बता दें कि सुबह 8 बजे जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है, और अल्मोड़ा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। अजय टमटा 2,08,813 वोटों के अंतराल से इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त देते नजर आ रहे हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट की बात कर ले तो बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आगे हैं, करीब 1,30,123 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे हैं, और जो वोटों का अंतराल है वो हजारों में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 94,543 वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं, और नैनीताल से अजय भट्ट 3,16,218 वोटों से आगे हैं।
उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि टीवी में भी बीजेपी प्रत्याशी कई हजार वोटों से आगे चल रहे हैं।